अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.5 उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे थे। इस सिलसिले का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम आपको कराते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले आप 2 टाइम्स कर चुके हैं, 2.2 में भी, 2.4 में भी, और यही रिपीट किया गया इस 2.5 में। इससे पहले बट आपको चंद बातें मालूम होनी चाहिए। एक लाइन सेगमेंट है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, और एक पॉइंट ले लें एम जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट को मिड पॉइंट का नाम देंगे। आपको पता होना चाहिए इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 और y1 + y2/2 है। सिमिलरली एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, एक पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, साइड में कहीं मौजूद है, तो ये लाइन को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस ए को हम कहेंगे ए m1 m2 रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली। इसका फार्मूला याद हो, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। सिमिलरली m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये फार्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए। लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो विद द हेल्प ऑफ दिस 2 लाइन हम उसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, y − y1 y2 − y1। ये है x − x1 डिवाइडेड बाय x2 − x1। ये 3 बातें आपको पता हूँ तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहेगी। अब बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये अब ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बाउंडेड बाय −2, 3 and 6, −1। B is a point at 3/4 of the distance from 4, 3 to 0, −3। Find equation of AB। फिर देखें आपसे कहा जा रहा है एक पॉइंट है A, और इस A पॉइंट से मुताल्लिक क्या है, ये मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, एक सेगमेंट का। ये सेगमेंट इन 2 पॉइंट से जो है वो मिलके बना है, ठीक है। तो यहाँ इन 2 पॉइंट को PQ का नाम दे दें और A जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो ए मिड पॉइंट है एक सेगमेंट का जो इन 2 पॉइंट से मिलके बना है। किस किस पॉइंट से, −2, 3 और सेकंड पॉइंट है 6, −1 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनदर पॉइंट बी इज अ पॉइंट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम 4, 3, 0, −3। बी एक और पॉइंट है, और वो कैसा पॉइंट है, 3/4 किस फासले का, 4, 3, 0, −3। तो एक और फासला हमारे पास है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 3 और क्या है बताइए, 0, −3। और क्या कहा जा रहा है, बी इज 3/4। बी एक पॉइंट है जो 3/4 है, ठीक। हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करें, बी जो है 3/4 ऑफ LM है। 3/4 को हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, 3/4। बी इज 3/4 ऑफ LM, 3/4 है। इसका मतलब बी जो है इस LM को 3:1 में डिवाइड करेगा। 3/4 का मतलब 4 हिस्से करेंगे और तीसरे पे रिप्लेस कर देंगे। क्या मतलब, इस लाइन सेगमेंट के हम 4 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये 4 हिस्से हो गए, 1, 2, 3, 4। अब बी को रिप्लेस करेंगे थर्ड में, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, यहाँ इसको बी को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब आप गौर करें, बी जो है 200 में डिवाइड करेगा। पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट कवर हो रहे हैं और एक पार्ट यहाँ कवर हो रहा है, तो ये पार्ट 3 पार्ट्स कवर हो रहे हैं ये। अब बेटा ये जो है वो एक पार्ट कवर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट कवर हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट कवर हो रहा है। फिर सुनिए क्या कहा जा रहा है, बी इज 3/4 ऑफ LM। 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ LM, 4 हिस्से किए, बी को थर्ड में रिप्लेस किया। डायग्राम के मुताबिक बी डिवाइड्स करेगा किस रेशो में, पहला रेशो तो 3 हो जाएगा, अब बेटा दूसरा रेशो जो बच गया वो 1 के बराबर है। डायग्राम में भी हमने 3:1 शो कर दिया। तो ए हमें गिवन है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट बना लिया। बी आपको गिवन है 3/4, मतलब 4 हिस्से करके 3 पे रिप्लेस कर दिया बी पॉइंट को। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या मतलब, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें अलॉन्ग द लाइन, ये लाइन हमें हासिल हो गई। अब बेटा इस लाइन की मुझे इक्वेशन मालूम करनी है। डायग्राम से वाजे है ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी से पास हो रही है। तो लाइन अगर टू पॉइंट से पास हो तो उसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन उसके लिए पहले ए मालूम करना होगा और फिर बी मालूम करना होगा। ए कैसे मालूम करेंगे, गिवन डेट ए मिड पॉइंट है ज्वाइंट पी क्यू का, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक पॉइंट है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट है माइनस टू थ्री और माइनस टू थ्री और सिक्स माइनस वन, तो माइनस टू थ्री सिक्स माइनस वन। तो फार्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू प्लस सिक्स अपॉन टू और थ्री माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, सिक्स में से टू गया फोर, फोर अपॉन टू के माने टू आ गए, थ्री माइनस वन टू, टू अपॉन टू के माने वन आ गए। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए आपको टू कामा वन। फिर अभी हमने एक्सप्लेन किया बी क्या है, थ्री फोर्थ है एलएम का, थ्री रेशो वन में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे, एम वन एम टू की जगह क्या लिख देंगे, थ्री रेशो वन रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन किया एम वन एम टू की जगह थ्री वन एक्स वन वाई वन, जो लाइन सेगमेंट गिवन है उसके दो एंड पॉइंट हैं एक फोर थ्री और जीरो कामा थ्री। अब हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, बेटा एम वन प्लस एम टू का मतलब थ्री प्लस वन हो जाएगा, यहाँ एम वन थ्री आएगा, एम वन एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू जीरो, एम टू मीन्स वन, एक्स वन फोर के इक्वल आ गया। यहाँ पर भी एम वन प्लस एम टू, तो ये लिखोगे थ्री प्लस वन आ जाएगा, एम वन थ्री, एम वन वाई टू, वाई टू मीन्स माइनस थ्री, प्लस ऑफ एम टू मीन्स वन, वाई वन वाई वन थ्री रिप्लेस करेंगे। तो थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा, ये ज़ीरो, ये फोर के बराबर आ गया, थ्री प्लस वन फोर आ गया, ये रहा माइनस का नाइन प्लस ऑफ थ्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर से फोर कैंसिल हुआ, बेटा इसकी वैल्यू आ गई वन, इसकी वैल्यू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स अपॉन फोर, माइनस सिक्स अपॉन फोर का मतलब टू से डिवाइड करेंगे, माइनस थ्री अपॉन टू के बराबर आ गई। ए आपने मिड पॉइंट से निकाल लिया, बी आपने जो है रेशो फार्मूले से निकाला। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन मालूम करनी है ए बी की। ये ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट बताए हैं, बी के कोऑर्डिनेट बताए हैं, तो इक्वेशन के लिए टू पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है वो टू पॉइंट फार्मूला, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन पहला एंड मतलब ए के कोऑर्डिनेट, वो हमने पीछे मालूम किए हैं टू कॉमा माइनस वन। फिर एक्स टू वाई टू बी के कोऑर्डिनेट, वह भी हमने मालूम किए ऊपर, इसकी वैल्यू है वन और माइनस का थ्री अपॉन टू के बराबर है। ये सारी मालूमात हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वाई इक्वेशन का हिस्सा, वाई वन की वैल्यू वन आ गई, देखें वाई वन की वैल्यू एक्स वन वाई वन, ये टू और वन है, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट टू प्लस वन है। तो वाई माइनस वाई वन अपॉन में हम लिखेंगे वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन ये पढ़ा जाएगा माइनस का माइनस थ्री अपॉन टू और माइनस वन इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू टू आ गई, एक्स टू माइनस एक्स वन वन माइनस टू के बराबर आ गई। आई होप ये क्लियर है, बट अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, वाई माइनस वन इसमें एलसीएम ले लिया जाए, यू गेट माइनस फाइव बाई टू। यहाँ रिजल्ट मिलेगा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस का वन, ठीक है। अब आप और इसको सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफाई होके शिफ्ट हो जाएगा, यू गेट माइनस टू अपॉन फाइव और मल्टीप्लाई होगा वाई माइनस वन के साथ। ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स माइनस टू नीचे वन लिखा नहीं करते, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और फाइव शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ बचेगा टू वाई माइनस वन और यहाँ आ जाएगा फाइव एक्स माइनस टू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट टू वाई माइनस टू, अब बेटा यहाँ पे बना फाइव एक्स माइनस का टेन। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, सबको वहाँ शिफ्ट कर दें, अब यू गेट फाइव एक्स माइनस टेन माइनस टू वाई प्लस ऑफ टू इक्वल टू ज़ीरो। अरेंज कर लिया जाए फाइव एक्स माइनस टू वाई माइनस एट
इज इक्वल टू जीरो, बी द इक्वेशन ऑफ